आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। पश्चिम बंगाल में ममता समर्थकों का आतंक, पीट पीट कर भगाए जा रहे हैं कार्यकर्ता, असहाय है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। केंद्र भी रक्षा नहीं कर पा रहा है लोगों की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चाहते हैं आवाज उठाए विपक्ष। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। दो बड़ी खबरों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी के आतंक के कारण 500 से अधिक लोग बंगाल से पलायन कर गए हैं, वे झारखंड में शरण लिए हुए हैं। दूसरी खबर झारखंड से है, जहां देखते ही देखते देश तोड़क शक्तियों ने राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर समानांतर सरकार बना दी। पुलिस प्रशासन मुख दर्शक बना रहा, पुलिस मुख्यालय में भी हलचल नहीं हुई, सरकार में भी सुगबुगाहट नहीं है। अब पहली खबर ममता समर्थकों के आतंक की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन वहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर भगाया जा रहा है। उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके परिवार जनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ की हत्या की जा चुकी है। उनका अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कहीं कहीं उन्हें जीत मिली और कहीं पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। ममता बनर्जी के समर्थकों ने इसे अपने लिए खतरे की घंटी समझा और फिर शुरू हो गया भाजपाइयों पर जुल्म का सिलसिला। हालात ये हो गए हैं कि हर दिन पश्चिम बंगाल से 100 से ज्यादा कार्यकर्ता झारखंड के बरहड़वा, साहेबगंज, राजमहल और संथाल के विभिन्न इलाकों में पलायन कर शरण ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि अगर बंगाल में रहना है तो ममता बनर्जी की जय बोलना ही होगा। वे भाजपा छोड़ने के लिए तरह तरह के ऑफर भी दे रहे हैं। इस आतंक का सबसे असहाय पक्ष यह है कि सब कुछ देख सुनकर भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा चुप है। वह अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। यहां तक कि केंद्र में सबसे मजबूत सरकार भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आतंक से भाजपा के कार्यकर्ताओं समर्थकों को राहत नहीं दिला पा रही है। हाँ, उसके केंद्रीय मंत्री जरूर यह बयान दे रहे हैं कि इस मामले में देश के विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। केंद्र सरकार आखिर इस पर चुप क्यों है, यह भाजपा समर्थकों कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है। बताते चले कि एक मोटे आकलन के अनुसार अब तक 500 से ज्यादा संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक पश्चिम बंगाल से भागकर संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों में शरण ले चुके हैं। जो वहां रह गए हैं वे हर दिन जुल्म झेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष से पूछा, आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को रांची में थे। वे डोरंडा वन सभागार में भाजपा के बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाने के बाद वे पश्चिम बंगाल की स्थिति पर बोलने लगे। इस क्रम में उन्होंने वहां पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर ढाए जा रहे जुल्म का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने यह सवाल कर दिया कि क्या कोई ममता से पूछ रहा है कि जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को बांध बांध कर मारा जा रहा है उसके खिलाफ विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा है। आज वामपंथी बंगाल में कहां है, क्या उन्हें जुल्म दिखाई नहीं देता। केंद्रीय मंत्री जब यह सब बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर बेबसी का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वहां उपस्थित लोग ही कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार इतनी असहाय क्यों हो गई है कि वे बेगुनाहों पर हो रहे जुल्म को देख रही है। आखिर वहां के राज्यपाल उस आतंक की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। बैठक में रांची के भाजपा सांसद राम टहल चौधरी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता
झारखंड में शरणार्थी बने हुए हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। पुलिस प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही है। उन्होंने इस विषय पर गृह मंत्रालय का ध्यान खींचा और कहा कि वहां कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि लोगों के मानवाधिकार की रक्षा हो सके। वहीं भाजपा के विधायक अनंत ओझा लगातार एक सप्ताह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह कर रहे हैं कि बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ढाए जा रहे जुल्म को रोका जाए। झारखंड से ही एक दूसरी खबर पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। यह खबर है झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 40 किलोमीटर दूर अवस्थित खूंटी जिले की। वहां रविवार को दिन के उजाले में कुछ देश तोड़क शक्तियों और देश विरोधी ताकतों ने देखते ही देखते समानांतर सरकार का गठन कर दिया और पुलिस प्रशासन मुख दर्शक बना रहा। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब वहां देश तोड़क यूसुफ पूर्ती की अगुवाई में जुटी देश तोड़क शक्तियों ने बैंक ऑफ ग्राम सभा की स्थापना कर दी। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खुली चुनौती दे दी, वहां अपना बैंक स्थापित कर दिया, वहां लोगों के खाते खुलवाए, पैसे जमा करवाए, पासबुक वितरित किए और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा। यहां राजधानी के पुलिस मुख्यालय में भी कोई हलचल नहीं हुई, सरकार के स्तर पर सुगबुगाहट नहीं दिखी। यहां बता दें कि पिछले एक साल से खूंटी सहित झारखंड के 5-6 जिलों में देश तोड़क शक्तियां सक्रिय हैं और देश तथा संविधान विरोधी काम कर रही हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पुलिस केस दर्ज कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जब ये शक्तियां उसे खुलेआम यह चुनौती देती हैं कि अमुक दिन वे देश तोड़क पत्थलगड़ी करेगी तो पुलिस अपने दड़बे में घुसी रहती है। वे लोग जब घटना को अंजाम दे देते हैं तो पुलिस जाती है, FIR दर्ज करती है और फिर आगे की कार्रवाई करने की बात करती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि खूंटी और आसपास के जिलों में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और जिस तरह से देश तोड़क शक्तियां सक्रिय हो गई हैं, उसमें अकेले खूंटी पुलिस के बूते की यह बात नहीं रह गई कि वे उनका सामना कर सके। मुख्यालय स्तर पर जब तक इन देश तोड़क घटनाओं को अंजाम देने वालों पर रोक लगाने के लिए अलग से पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की जाएगी, रिजर्व पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। अभी भले ही यह सामान्य लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर खूंटी जिले की स्थिति भयावह हो गई है और वह राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दे रही है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।